माँ माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी ले आओ। नहीं बेटा। ओहो सारे दिन किताबां बड़ी रहे, पछे पढ़ लिए, पहले रोटी खा। खा ले। आपने खा ली माँ? बस मैं अभी लेके आऊँ अपनी भी, फिर पापा ना आए ना अभी। अच्छा दीपांशी। हाँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ रोटी खा लो। ये नमस्ते वाला की धंधा था धंधा जी भैया। नमस्ते। रोटी खा ली? हाँ जी, वो मेरे टीचर ने बोला था ना कि घर में जब भी कोई बड़ा या पापा जी आए तो रोटी ले नमस्ते करनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी लो रोटी खा लो आप। चल तू भी खा। माँ पिताजी आ गए। ठीक है बेटा खा ले तू रोटी। अच्छा हम तो खा रहे हैं। बाप बेटी का कितना प्यार है बताओ। बताओ मम्मी। चाचू ना चाय ना दिया। आज तो आपको सब्जी वाली खानी पड़ेगी। चलो। माँ बहुत बढ़िया बने सब्जी। किसने बनाई? माँ ने। ये आपकी लाली सूची तारीफ करती रहो। और दीपांजी जी। पिताजी पढ़ाई बता तू कैसी चल रही? बस पिताजी बढ़िया चल रही है। जब तेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा जी फिर क्या करेगी? पिताजी मैं तो पुलिस वाली बनना चाहूंगी। वाह वाह। बस आपका आशीर्वाद रहे और मेरा काम अच्छा हो जाए पढ़ाई में। मेरी रिजल्ट अच्छा आ जाए। सब अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा है ना माँ? बिल्कुल बेटा। हमारा तो सौभाग्य है कि तू हमारी बेटी है। क्यों जी? मैं रोटी और लेके आती हूँ। रुको ले। रोटी लेने गई थी वहीं बैठी गई क्या? ले आवा ना। आ गई। ले आ ले आ। ये लो आज ना मट्ठा तो है नहीं, गुड़ते ही काम चला लो बाप बेटी। ठीक है दीपन जी? गुड़ सारा धर लेंगे खा। ए आकाश महोदय। हाँ पिताजी। दीपांशी पढ़ने लग रही, तू भी कुछ पढ़ लिया कर। पढ़ तो हूँ। के पढ़ है? मैं पढ़ू यू वाली दीपांशी। जी ये किताब किसकी? ये तो मेरी है। झूठ थोड़े आराम से बोल लगे। एक और दर्द झूठ बोल रहा। किसकी है किताब? तेरे में पता तू कैसी नहीं क्लास में? नहीं 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 क्लास में। चल लग गया था तनु मीन है ये लड़ीला है पढ़ने में। ये बढ़िया पढ़ू मास्टर जी भी कह रहे गुड दिया। और क्या था? ये देख मंजूरी कितनी अच्छी पढ़ा है। दीपांशी इसे बता दो कर दो और अब। मैं तो बोलो इधर बैठता ही नहीं मेरा पढ़न को। इब तो इसे पता चला कि नौमी में आई। आ जाओ ताकि जी आ जाओ आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और बताओ अजी कहना क्या है? इसकी दीपांशी की किस्त लेट होगी अब क्या? अच्छा ये बात इनके ध्यान ही नहीं रही। तू तो गई थी वहां एलआईसी में। वाले तू करी ही होगी। मैं भी भूल गई, मेरे भी याद ना रही। और तुम एक काम करे करो किस्त ले जा करो। ठीक है ना? कई बार नहीं याद रहता। ये कोई वो तो ना पेनल्टी वेनल्टी? पेनल्टी तो 500 रुपए की लगी है जी। लाओ दे दो तुम। पीछे जेब में रहे और टेम और देखी याद नहीं रही। अब जा रहे हैं ना 500 रुपए फालतू। अच्छा बहुत जोर पड़ा 500 का तो जमा करिए। वैसे फिर यह दिक्कत थोड़ा वह अंडे धक्के का जो जितना बोला।
मैंने कह रहा बाबू जी एक योजना और है। हाँ बताओ की है। देखो बाबू जी दीपांशी का बीमा मार्च तक पूरा हो जाएगा, तो अगर तुम चाहो तो इस पर लोन ले लो। त्यागी जी ना तो हमें लोन लेना और ना निकलवाना, हमें तो इस किस्त को आगे बढ़ाना है, बाकी बात ये जाने। त्यागी जी देखो वो तो हमने दीपांशी के नाम का ही राख रखा, आगे इसकी शादी वादी करेंगे। और कोई ऐसी प्लान हो? क्योंकि भी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम और है भाई, ग्रेजुएशन में शादी में भी हैं 2-3 साल, कोई ऐसा और हो प्लान तो वो भी बता दो। बताओ। नहीं जी एक प्लान और है, इसे तो तुम आगे बढ़ा लो। ठीक है। और शादी के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर तुम चाहो तो। ठीक है त्यागी जी, वो शादी वाला प्लान भी ले लेंगे। क्यों जी? हाँ दीपांशी। पिताजी आप मेरे कितने बीमे करवाओगे? आप मुझे मारना चाह रहे हो क्या? हाँ हम तुझे मारना चाह रहे, तुझे रुपये में दाब के मारेंगे। आकाश हाँ सही कह रहे हो पिताजी, 50 लाख लगाऊंगे इसकी शादी में और उसी के बोझ में मर जाएगी। देख बेफालतू में डरे पता मुझे दांत पाड़ती रहेगी। पढ़ता लिखता है नहीं पिताजी, फालतू की बात कर रहे हैं। किसी को तो जवाब दे दो। जागी जी ठीक है बस तो मुझे बता दियो, फोन करके मुझे फोन पे बता देंगे, और वो बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप पे हैं ही, अगर बाकी साइन वाइन करा ले जब भी आप शादी करें। अच्छा तो ले ठीक है जी, और बाकी तुम ले जा करो, क्योंकि कई बार नहीं काम धंधे में ध्यान नहीं रहता, फिर अपना सूप 200-500 रुपये बचती जाओ। ठीक है त्यागी जी राम। आप वो फोन पे करते हैं ना आजकल, क्या करें करें वो फोन पे। हाँ जो भी है मेरा खाजोरी में नहा ले। हाँ तू नहा ले इसे पता के जिसे तू बता। हाँ माँ वो फोन पे हो है, इसे क्या पता, ये तो जाता नहीं स्कूल। हाँ तू कर ले करेगी? हाँ मैं कर ले करूँगी। बढ़िया सा फोन ले दो फिर छोरी ना, ये भी नहीं देते फोन, पढ़ लेंगे फोन के चक्कर में ना गिरा। कद है तेरे पेपर? वो अप्रैल तक डेट शीट आएगी उसमें पता चल जाएगा। अप्रैल में आपकी डेट शीट, इसे बता दे कर इसे आकाश को भी कुछ। पिताजी मैं तो कहूँ उससे कि पढ़ लेकर, और वो कहवे तू ही पढ़ लिख के बन जा डॉक्टर, नहीं हम तेरे तेले ले करेंगे दवाई। रोटी बन गई ना जी, बनाऊंगी जाके। तू सेक ले, जा सेक ले 2-4 रोटी। ठीक है जी। हाँ सेको रोटी सेक ले। दीपांशी। हाँ जी। बस तो कोई ढिलोर कुछ नहीं। ओ दड़ाक मारू के तेरे मुंह पे, सिखा दे मुझे मोटरसाइकिल। यू भी मुझे सिखानी के किक मार और उठा दे इसे। भाई ने मेरा तू देख बता दिया, देख मम्मी पापा आने पहले बता दे जल्दी आ जा, रुको पुलिस पुलिस। ठीक है जो कल तक उड़का दे चल कर इसको जा। हैंडल सुधा रखना। हाँ रहन दे, हमें पता तू चला लेगी, हमें पता तू चला लेगी, रहन दे। सीख गई तू? नहीं पकड़ 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 दे, मैं गिर जाऊंगी, पकड़ पूरा को ले ले स्टैंड कर रखा, पैर ना पीछे दिए उतर ले। सिखाने का नहीं, अरे टूट टाट जाओगी, पिताजी मारेंगे। और नहीं टूटने की, चल बैठ तो बैठ, पीछे बैठ चल, तेरे पहले चलवाए जा, मैं चलाऊंगी। चलिए चलवा लेगा? हाँ हाँ बस पैर नीचे रखिए। हाँ पैर तो नीचे रख रखा पर हैंडल तो उधर आके, ये धर ले नीचे ले, ध्यान रखिए। ठीक है चलाओ करो रेस। चल थोड़ा सा आगे को ले चल। ओए 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 हाँ जी मैं न्यू कहूँ थी, अपनी दीपांशी की पढ़ाई तो पूरी हो ली, इसकी खातर कोई छोरा छारा देखा आपने, ब्याह की भी सोच लियो। सोच तो रहा हूँ मैं, इसे मदन को लेके गया भी था पर ये मदन नहीं राइड मारती, इनने सनु बताया दिया भैया तो इनकी है नहीं, इसे तो कहीं थे मंदिर वंदिर कहीं पता ना कहाँ ले थे, इतना बढ़िया रिश्ता था अभी फिर मना कर दिया को, भाई क्या पता कौन है, हम तो चले नहीं काम मारे।
मुझे तो इसी बात का डर है कि कोई न कोई भांजी मार ही देगा कि या छोरी मारी ना है। आप मंदिर पर तो उठा के ले आए थे सर, लेकिन एक बात बताओ, इतनी सी थी जब आप लेके आए थे, हमने कितनी लाड़ चावती से पाली है, बेटी तो मारी हुई ना। हुई तो मारी, पर यह दुनिया मानने इस बात को जी भी, तो इनका तो इतना भूंडा बहम है, पता नहीं कौन है किसकी है, ऊंची जात नीची जात, एक तो ना है दिक्कत। हाँ, यह तो हमारे समाज में बड़ी प्रॉब्लम है, यह बात तो सही कह रहे हो तुम। नहीं तो इतनी बढ़िया, इतनी समझदार, पढ़ी लिखी लड़की, पता नहीं सर यह दिक्कत तो खैर रहेगी, पर निमटावेंगे इसे भी, बता देंगे मतलब भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, जो कोई सोबर हाँ भरेगा, सारी बात तय करके जब करेंगे। एक बार वही हमने बड़े लाड प्यार से पाली, नूनी एक बार वही धक्का दे देंगे, फिर से देंगे बहुत कुछ ऐसी बात नहीं, पर घनी दिक्कत आ गई ना तुझे एक बात बताऊँ, मेरा विचार यू भी है अगली साथ दी प्रॉपर्टी दे दो। ना जी, बेटी तो कोई राजा महाराजा कभी ना खटाई। वा नहीं पूछ रहा मैं तेरे ते, पूछ या बात रहा, जो आधी संपत्ति से दे दी तुझे कोई दिक्कत तो नहीं ना है। जी मेरा कोई दिक्कत ना है। बस फिर कोई दिक्कत? अरे जिस हमारा बेटा है इसी हमारी बेटी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो सब तेरे भरोसे को था वो काम। ना जी आप दिक्कत ना लो, जी आपका जो फैसला है वो मेरा फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। फिर तो हो ही जाएगा जी, कोई बात नहीं, दुनियादारी में बढ़िया आदमी भी है, कोई सभी छोटे विचारों के थोड़ा है। दीपांशी आगे दिखे। हाँ। देखिए कर झूम दिया वे आन देश की दो मर्मों का अरिया कौन है इसकी? अरे इसकी सहेली है। यो कौन सा तरीका तेरे चलने का? ढंग सिर चल रहा, ढंग सिर तुझे पता नहीं? अच्छा, मेरे पिताजी नु क्या कर रहा है? हाँ। कि कभी भी तेरे फेस पे टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा, और अगर टेंशन दिख गई तो तेरी घंटी भेज दूंगा, तो इसलिए मैं तो खुश रहूं, मस्त रहूं। अच्छा, तो ये रीजन है। चल कोई नहीं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। बैठो बेटा, बैठ जाओ। हाँ माँ, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है, और मुझे पानी पिला दो। ये भी ले आई, रुक। बस मैं ठीक हूँ बेटा। और क्यों कर चल रही थी तू? वो पिताजी मुझे स्कूटी ला दो। अच्छा, मुँह में क्या है? वो तो मैंने चिज्जी खाई बाहर से। दांत खराब हो जाएंगे, चिज्जी खाई थी। ले पानी बेटा, ये ले, आराम से पी, आराम से। एक गिलास मेरे लिए भी लिया। ठीक है। और पढ़ाई कैसी है बेटा? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ये क्लास में तो ना करती शरारत? शरारत करें तो आपने बोल रखा अच्छी शरारत करने के लिए। ओ नवाब, मम्मी कहाँ है? क्या है, अंदर होगी? अंदर तो ना है। फिर बापू गैल घूमने गई? ओ भाई, एक काम कर दे। ओहो, मीठे बोल बोलने लगी, जरूर कुछ केड़ा काम है? ना देख, मुझे वो बाइक सिखा दे। बाइक सीखेगी? मेरे बस की ना है। भाई नहीं मेरा, पुलिस। रोवे क्यों है, सिखा दूंगा, आ खड़ी हो। पुलिस, चल इसे बाद में पैर लूंगी, चल 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 जल्दी। अब थोड़ी तुझे कुछ दिखाई दे, बैठ। रुक जा, मम्मी के आने से पहले कर, पिताजी के आने से पहले। सिखा ले, चाबी भी इसने लगा रखी, चालू करिए। देख पकड़ के रखिए, गिरने जाऊं मैं? पकड़ ली हैं स्टैंड के, तेरी बुआ करेगी। बुआ नहीं करेगी, तू करेगा। चल मैं ही कर रहा हूं, पैर तो हट। पिताजी को बताऊंगी आन दे। सबको बता दिए सिखाने का, और ना देख पकड़ के रखिए। हां ठीक है, अब बता क्या करूं? चल स्टार्ट तो करे, पैर टेक ले, ऐसे स्टार्ट करेगी। अब यूं समझ में ना आ रहा मैं कैसे बैठूं, हैंडल सुद्धा होना चाह। और तेरी ए
चाबी तो घुमाई ना। किंगे घुमाओ नु बता। होगी अब कर, बटन दबा दे। कर कर। रहन दे, हटिए पीछे बैठिए तू। नहीं ना सीख ली तू, पहले देख ले मुझे पीछे ओनी न्यू के न्यू हो जा न्यू। यहाँ खड़ी हो गए किंगे, यू दबाया। ओहो अब तो नहीं करनी पड़ेगी, तेल खत्म होगा, तू रहन दे सीधी। चल पढ़ ले। ना पढ़ने लिखने का ना कोई काम करने का। जादू में बोल रही है, छोड़ दो ना, मम्मी मैं पिताजी से बता दूंगी। हट, पढ़ ले। चल छोड़ मेरे काम का दे। तेरे काम का आगे नींद और खराब कर दी। चाबी कल कभी ठाक फिर बाद में छेड़ेगी। बावली सी भाई निधि, मैं इतने परिवारों में घूमू पर एक परिवार ऐसा देखा उन्हें कोई लोंडिया मिली ही कहीं मंदिर वंदिर में, और वे उसे इतने लाड़ प्यार से रखे हैं, 20 लाख का बीमा करवा रखा और एक और करवा दिया। अब एक आध और हाथ लग जाए ऐसे ही परिवार सा तो ये छत से डलवा दूं मैं। ये सांस ले ले ना तो मरता की फिर बपोगे तन्ने मार दूंगी। यो बात तो तू ठीक कह रहा भाई। अच्छा भाई हम रोज आ करेंगे रेस मार। बढ़िया लगा। करो करो फटाफट करो मामा, मा, खा खा मा, के सांड सी और कर बेटा कर। ये बात बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो जाओगे पतले पतले। करो करो दूध लेके आऊंगी बढ़िया सा। देख रही माँ कैसे कर रहे हैं। अच्छे से कर, मैं दूध लेके आऊंगी जब तक। एक काम करो बीच में दूध पी, ये तू पी और ये तू ले बेटा। पीजे पीजे। अरे माँ इसका गिलास बड़ा मेरा छोटा दिया। ले भाई बड़ा गिलास तू ले ले। अब दे रही है खाली करके। अच्छा एक गिलास मुझे दे दो। देख ले बापू या मेरा कहना नहीं मानती, मैं एक सवाल का जवाब देती या सर पे चढ़ा रखी तुमने। पिताजी इसकी बात छोड़ दो, तुम मुझे बड़े से कहानी सुनाओ आज। अच्छा कहानी सुनेगी। चलो मैं कहानी तुम्हें दोनों की सुना रहा। मान लोगे? देखो एक तो कितनी भी दिक्कत जिंदगी में आ जा तो कभी घबराते नहीं है। लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी? जी हाँ। जब वो 19 साल की थी तभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके जीवन में आ गई और फिर उसने वह इतने सहज तरीके से निभाई। और ये सब क्यों किस तरीके तक है उसने हौसले जिंदगी में कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या हो हौसला बरकरार रहा। ठीक है ना? आगे बात सुन रही ना? तो अपने जीवन में हमेशा रानी लक्ष्मी बाई बनते रहे, कोई कुछ भी कहो तो तुझे भी बता रहा हूँ। हाँ पिताजी मैं केवल हूँ। तू के बन सके ना बता। तुम्हारा बेटा बन रहा है और के बनेगा? भगत सिंह बन सके? मुझ है पर दाढ़ी बनवानी पड़ जाएगी। तो भगत सिंह बन। क्या कह रहे पिताजी, भगत सिंह कहाँ थे और यो कहाँ है? एक भी गुंडी है भगत सिंह जैसा? मैं स्टैम्प खाट रहा हूँ और पिताजी के धोरे।
अरे बेटी तो पूज्य नहीं थे माँ, तू इसके क्यों गल लगी रहा है? ठीक है ना, कभी जिंदगी में घबराना नहीं, बहुत प्यार प्रियंतर रहना है ना। और बस मेरा यही कहना कि जिंदगी में कभी घबरा, हार ना मानो, हार नहीं मानो, जिंदगी का डट के मुकाबला करे। छोटे मोटे दुख सुख ये सब आते भी रहे, वे आने भी चाह, सपाट सी जिंदगी कुछ बढ़िया भी नहीं होती। कितना जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ना हो, कुछ तजर्बे ना हो, तो स्वाद नहीं। बिल्कुल, मैं किसी तरह हार नहीं मानता। अच्छा, इस तरह हार मान वो तो ये मानेगा पिताजी, तू मेरे से लड़ी नहीं सकता। हाँ हाँ सही बात है, ठीक है ना। हाँ के भी फेंक सकूँ रहने दे, तू देख रहे पिताजी माँ। हाँ कुछ ना कर रही हो, है रखेगा, चल चल। देख बेटा, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे हैं, तेरे पापू का भी आए। और बस बड़े प्यार से रहना, जो प्यार से रहे मिलजुल कर रहे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, और छोटी मोटी दिक्कत तो नूट जाए। और पढ़ाई का ध्यान रखना, विचलित कभी होना नहीं पूरे जीवन में, पाखंड से दूर रहना। अगर सब तरीके से स्ट्रांग होना है तो पाखंड से दूर रहना, ठीक है? पाखंड की हो मुझे ये तो बता दो, किसी भी बहकावे में नहीं आना। हाँ, अच्छा। हाँ, जो भी सोचना है अपने दिमाग पे ठीक, भगवान का नाम लेकर, ठीक है दीपांशी? कोई कुछ भी बोले पर अपना दिमाग उसमें जरूर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो इब खेल लो, चलो उठो। लड़पड़ी के और के काम है इन्हें। चलो ठीक है जी, अपने बालक अच्छे, हम भी अच्छे रहेंगे। हाँ। जिंदगी बड़ी अच्छी कट जाएगी। ओए ए दीपांशी, क्या कर रही, क्या होगा? मेरे पैर में चोट लग गई भाई। चोट लग गई? हाँ। अब बाइक कहाँ? बाइक वो तो बाहर सड़क पे पड़ी। तू ही लेके गई होगी जरूर। दिखे देख सुन, माँ और पिताजी को बिल्कुल ना बताइए कि मेरे चोट लग गई और मैं बाइक सड़क पे गिरी, जब भाग के उनके आने पहले जल्दी लिया लिया हुआ। पर आज बापू ढंग बिठा देगा तन्ना, बाइक तोड़ दी होगी पूरी। पता नहीं कहाँ चले गया कमीना, कितनी देर का बोल रखा है कि बाइक उठा के लिया, अब तक आया नहीं। आई आज अंदेश की थी, आज आज अंदेश की थू थू पे बजाऊंगी। दीपांशी जी, जी पिताजी कहाँ है? यहाँ आ रही पिताजी। दीपांशी? हाँ हाँ जी पिताजी, आ रही हूँ। अजी साहब का सुनो, चप्पल चप्पल बजाऊंगी अपनी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आजा बैठ। वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही तोड़ दी उसकी हेडलाइट और तोड़ रखा स्टैंड है। देख रहे पिताजी कितना झूठ बोल रहा, मैंने इसे इतना रोका मगर बाइक लेकर मत जा, फिर भी हो गया। पिताजी तुम इसकी मान लो, इसे एक बाइक दिलवा दो। देख देख कितनी सफाई दे रहा, मैंने तेरे से पहले कह रखी मात है, मगर माँ मुझे स्कूटी दिलवा दियो और अपने नंबर बढ़ाने में लग रहा। ठीक कर रही है बेटी, हेडलाइट की कोई टूटी? ओ खड़ी हुई घर लियो पानी ला। वो आप नहीं ले सकता पानी? अरे पानी ला दे कोई। ला दे बेटी ला। पिताजी किस तरह नोटू चाहिए टांग काटी थी? ये दीपांशी रही पूरा, आ जा पानी बाद में लीजिए। आ जा आ जा जी पिताजी। पानी क्यों रहते थे वो
हो गया बेटी पैर में? बता। हाँ, इन्हें तो मारा मेरे। कि मेरे भाई कितने दे दिया तेरे पानी? तो सही बता, कहाँ ले जाती भाई? पिताजी मैं बाइक चलाना सीख रही थी। और मैंने से कितनी बार कहा, इन्होंने मुझे सिखाया नहीं। मुझे और तोड़ थी, मैं ले गई। ठीक कह रहे, लेगी आ तो गई जा चलानी। अब तो मम्मा होके भी घुमा देगी ना भाई, मेरे को ना जाना मम्मा किसके साथ, कहीं तोड़ देगी मुझे तो बुआ के ले जाइए बापू। हाँ बापू चलेंगे मेरे को बुआ के। हाँ बापू चलोगे ना बुआ के? हाँ ले चलिए। नाना तेरे मम्मा का घुमाई लेगी तेरे बापू ने। मैं न्यू कह रहा कि अस्पताल में लेटना चाह रहे हो इसके आंख तो। चल अब पानी तो ला दे। अपने ले जा। अपु लेना पड़ेगा क्योंकि तेरे बस की। तू ज्यादा छेड़ ना छोड़ी ने। तन बेरा ना तेरे पापा की लाड़ ली है। चल बाइक तो आगे चोट फेट लग के। चल बाइक ना रहने दो, स्कूटी ले दो इन्हें। ले देंगे या जो कुछ कहेगी वो ले देंगे। ठीक सुन रहा है, अब मुझे स्कूटी मिलेगी, वो टूटी हुई बाइक तू ही चलाइए। ठीक है तू ही ले लिया स्कूटी। पिताजी वैसे क्या का दर्द की टूक मंगवा दो। तू ही लिया जाके बाइक ठाक ले जा। हाँ बाइक तो आएगी। हाँ चलानी तो आगी तेरे पे। वो अभी मेरे पैर में चोट लग गई ना। ए दीपांशी बुरा आज तो ये बेर खाऊंगा। ऐसा मारूंगी रैप्टा। तू का देखी जी मार्क ठीक। हाथ छोड़ दे मेरा अगर तेरा टाइम ठीक है तो। के अच्छा ना होने का मेरे साथ, तू मुझे बहुत बढ़िया लगे। अगर मेरे पिताजी को पता चला ना तुझे यहां का यही काट के दाब देंगे, समझ में आ गई? जैसे तू पिताजी कह रही है ना, तू पिताजी ना तेरा। मतलब? मतलब मैं बताऊंगा ना जायज है तू, ना तू इस गांव की है ना उसकी छोरी है, तू है ना जायज रघुआ। अपने आप में ज्यादा बढ़िया बन रही है, इसी दिन तुझे काग में लेके उड़ जाऊंगा। उस दिन ही भाग गई और आज भी भाग गई, देखूंगा तुझे। मां मां कौन हूं मां? तू दीपांशी मेरी बेटी है और कौन है? मां वो लड़का मुझे नाजायज बोल रहा था, नाजायज क्या होता है? तू रो मत रो मत, कौन लड़का का होता था ना नाजायज? रो मत मेरा बच्चा रो मत। चुप हो जा, के नाम सोच छोरा का मैंने बता। मामा मुझे लिगड़ते रोज बोलता है। रोज बोलता है तो तने क्यों ना बोली आज तक, तेरे पापा तक क्यों ना बताई? उन्हें कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं ना जायज हूँ। बेटी तुम्हारी बेटी है, ना जायज किसी या की तरफ। चुप हो। हाँ हाँ बात बता बात बता। पिताजी ना जायज क्या होता है? क्या बात हुई? चश्मा लगा के रखता है वो मुझे। मैं बताऊंगा कौन सा वो। चल तुम मुझे बता। मैं बताऊंगा उस जाज को नाजाज के हो। चुप हो। सतकुमार के बच्चे कहाँ है? सतकुमार बात वो कहाँ था छोरा उसे बता। मु पूछ रहा हमारी छोरी थे, तू नाजाज है, उस जाज को हम पूछेंगे कितने जाज है वो। बुलाओ अपने बेटे को। उसका चश्मा तार दूंगा मैं, चश्मा चढ़ रहा है उसकी आंखों पे। अजी बाड़ा क्या कह दिया होगा, हम समझा देंगे आगे नहीं कहे। समझा दे नहीं समझा ही दियो ना, तो हमें अच्छे से समझाना हुआ है, हमने हमारी बेटी बड़ी लाड तोड़ते पाली है। हम कुछ नहीं कह रहे, उसे बता दिए सतकुमार को, रोक लेगा उसे ना, तर सारी काट देंगे उसकी दादागिरी। और ना जाज कह ही ना दे ना मारे तो बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो बोलने का ही ना पता, कुछ ही कह दे कोई मुठा के। बड़ी सेवा चल रही है आकाश महोदय की। आ जाओ। हाँ देखा है छोरा किसाक लग गया ब,
है लड़का बिल्कुल एकदम फिट। अच्छा हाँ, घर परिवार सब बढ़िया? सब एकदम बढ़िया। अरे पिताजी हमें बता दो कुछ, मैं भी नजर में को काट लूँगा। अच्छा बहुत समझदार हो रहा। दीपांशी को बुलाओ, उसका की बताऊंगा। प्रिय बहन जी कृपया आप यहाँ आने का कष्ट करें। क्या है? देखो पिताजी कुछ बताना चाह रहे, तेरे बगैर बताई ना रे। हाँ पिताजी। दीपांशी बेटा मैं तेरे लिए लड़का देख लिया। क्या बात? कुछ नहीं है? कुछ नहीं, अब शादी करेंगे हम तेरी। पिताजी इतनी जल्दी? जल्दी क्या होती, एमए हो गया तेरा, तेरा क्या हो जाएगा, मुझे भी छूट सी मिल जाएगी। हैं? तुझे किसने बांध रखा है? रही लड़ेगी ना फिर मेरे से। कोई ना, फिर तेरा भी ब्याह कर देंगे, तेरा भी बहू आवेगी, वह भी लड़ेगी। वो लड़ेगी तो जब से पिताजी मेरा बाद में कर लेना, पहले इसी को कर दो ना, पहले लड़की को करो। दीपांशी ये बता तुझे कौन सी गाड़ी देनी है? नहीं पिताजी मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहती। यत्ते के तू ई रिक्शा में जागी, पिताजी तुम बुक कर दो BMW। चल BMW बुक कर दूंगा तेरे लिए, हैं? पिताजी आप भी तू इसकी बात सुनाते रहो, ये तो मेरी बकवास करता रहा है। अच्छा हाँ दीपांशी तू जो कह देगी जो मांग लेगी वही मिलेगा। वो तो मुझे पता है पिताजी, आप और माँ मुझसे कितना प्यार करते हो। ठीक है ना? हाँ पर खुद मत चलाइए उस गाड़ी को। हाँ बेटा ये मेरी बात सुन ले, जो बात है लड़का इंजीनियर है, घर में किसी भी कमी किसी भी ढाल की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? और बस तेरा यू काम है, जैसा उनका घर अब चल रहा है वो और भी ज्यादा अगर बढ़े तेरे जाने पर, ठीक है ना? कभी कोई भी किसी भी बात पे माइंड नहीं करना, एडजस्ट करना है, एडजस्ट होना है। शादी के बाद जीवन एक बदल सी जा, छोटी छोटी बातों पे कभी कोई बात माइंड नहीं कर, ठीक है ना? बिल्कुल जैसे हम माँ बाप हैं ऐसे ही तुझे हाँ माँ बाप मिलेंगे। बिल्कुल, अपना यो परिवार छोड़ के अपने को दूसरा परिवार बसाना हुआ है, और जितना प्यार तू देगी उससे डबल तुझे प्यार मिलेगा। क्यों जी? हाँ बस चल तो मेरे लिए पानी लेगा। देख लो पिताजी बेटू कह रहा है, लेकिन हम कितनी जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ माँ और पिताजी आप दोनों ठीक कह रहे हो। ठीक 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 है। बस बुराई कोई आने नहीं चाहती, नहीं आने की, कभी नहीं आने की। बस बेटा यही मेरी इच्छा है, तेरी तरफ से मैं इतनी सी भी बुराई ना सुनूं। पिताजी और माँ आप दोनों चिंता ना करो, आप लोगों ने मुझे संस्कार इतने अच्छे दिए हैं कि मैं बुराई तो ला ही नहीं सकती। चिंता ना मानने, अभी एक नजर मैं भी मार खाऊंगा। रहने रहने तू तो है नहीं, तो बस पिताजी देखे आए वो ही काफी है, तू मत जा। अरे मैं ना जाऊंगा, वो पता कैसे पड़ेगा कैसा, पिताजी तो देखे आए, एक बार मैं भी देख लूंगा। पिताजी इससे पैंट पर ठीक से पहनी नहीं जाती। देख ले हसरी, तेरी सासू के मैं कोथली लेगा साइकिल पर जाया करूँगा। प्रिय बहन जी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। प्रिय भैया जी कृपया आप मुंह बंद रखें और आप मेरे लिए एक गिलास